जैसा कि फ्रेंड मैं आपको बता दूं, अभी के टाइम पे यूट्यूब पर क्या चल रहा है। अभी यूट्यूब पर ये चल रहा है कि हम किसी से कम नहीं। इसका मतलब फ्रेंड मैं आपको बता दूं, जैसे बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं वो अपना एक नया चैनल बना रहे हैं, नया चैनल बना के उस पर लोगों को लाते हैं और उनकी स्टोरी को शेयर करते हैं। या तो वो बहुत ही सक्सेस लोगों को लाते हैं या तो उन लोगों को लाते हैं जो सक्सेस नहीं हो रहा है। इस तरह से लोगों को लाते हैं अपने चैनल पर और उनकी स्टोरी को शेयर करते हैं और उनका सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ्रेंड इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, क्यों नया चैनल बना रहे, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे फ्रेंड मैं आपको बता दूं, जैसे टैग चैंपियन सपोर्ट ने एक अपना नया चैनल बनाया था जिसका नाम है हॉप टॉक, और उसके बाद मनोज दे ने एक चैनल बनाया जिसका नाम है मनोज दे पॉडकास्ट। तो इस तरह के बहुत सारे यूट्यूबर हैं अपना नया चैनल बना रहे हैं, नया चैनल बना के उस पर वो लोगों को लाते हैं, उन लोगों को जो सक्सेस नहीं हो रहे उनकी स्टोरी को शेयर करते हैं और उनका सपोर्ट दिलवाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड मैं आपको इसकी पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ, जो ये नया चैनल बना रहे हैं इस नए चैनल का पूरा सच्चाई क्या है, पूरा फ़ायदा इनका क्या होता है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड वीडियो को आप लास्ट तक देखना, आपको मैं ऐसा ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपको सही से समझ में आ जाएगा कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। उससे पहले फ्रेंड आपको बता दूँ, मेरा नाम है इमरान अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल इमरान जी। फ्रेंड आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे क्या होगा इस तरह की नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी और हम आपके लिए इस तरह की यूट्यूब की नई नई जानकारी लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक पॉइंट बताते हैं, इनका जो नया चैनल है इसकी पूरी सच्चाई हम आपको बताते हैं, जो ये नया चैनल बनाए हैं और उसकी पूरी सच्चाई क्या है सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता ही, ये लोग नया चैनल बना रहे हैं, नया चैनल बनाने के बाद क्या कर रहे हैं, उन लोगों को ला रहे हैं जो सक्सेस नहीं हो रहे, या तो वो बहुत ही सक्सेस लोगों को अपने इस चैनल पे लाते हैं और उनको मतलब सपोर्ट दिलवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ्रेंड जो ये नया चैनल बना रहे हैं इसके पीछे की पूरी कहानी आप समझ जाएंगे तो आपको खुद लगेगा ये किसका सपोर्ट कर रहे हैं, आप इनका सपोर्ट कर रहे हो कि ये लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं। सही से आप अगर जो मेरी बात समझ लेते हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप इनका सपोर्ट कर रहे हो कि ये लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको इनके चैनल को दिखा दे रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं टैग चैंपियन सपोर्ट का ये मेन चैनल है और इनका ये नया वाला चैनल है। तो दोनों पे कितने कितने सब्सक्राइबर है ये भी आप देख सकते हैं, इस पे 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है जो इनका मेन वाला चैनल है, और इस पे आप देख सकते हैं 41,000 सब्सक्राइबर है। तो दोनों में आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके बाद मैं आपको मनोज दे का चैनल दिखाता हूँ, उनके मेन चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हैं और उनका जो नया वाला चैनल है उस पे कितने सब्सक्राइबर हैं। तो आप देख सकते हैं ये मनोज दे का नया वाला चैनल है जिस पे 3 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और ये इनका नया वाला चैनल है जिसपे आप देख सकते हैं 65,000 सब्सक्राइबर है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसमें। अगर जो फ्रेंड ये लोग सही तरीके से अगर जो किसी का सपोर्ट करते कब सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये नया चैनल ना बनाते हुए अपने मेन चैनल से सपोर्ट करेंगे तो उनकी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक जाएगी और उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अपना एक नया चैनल बना रहे हैं और उस नए चैनल पे उन लोगों को लाते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं, जिससे कि फ्रेंड उनकी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक नहीं जाती है। लेकिन यही काम अगर जो ये अपने मेन चैनल से करते हैं तो इनकी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक जाती। तो मनोज दे का जो एक एक वीडियो पे व्यूज़ कम से कम 2 लाख से ज़्यादा व्यूज आता है, तो ये इस वाले चैनल से सपोर्ट करते हैं, इस पे सब्सक्राइबर हैं 65,000 और उससे 3 गुना ज़्यादा इनके इस वाले चैनल पे व्यूज़ आता है। तो फ्रेंड अगर जो इसके बजाय ये इस पे मतलब लोगों को लाते, लोगों की बातों को मतलब स्टोरी को शेयर करते, लोगों की आवाज़ को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते, तो फ्रेंड आप खुद सोच सकते हैं उनकी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक जाती, उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलता। इस तरह से ये काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये नया चैनल बना रहे हैं, आप इनका सपोर्ट कर रहे हैं, इनके नए चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और इनके नए चैनल को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये आप लोगों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, ये सक्सेस लोगों को लाते हैं जो मतलब यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं या यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा सक्सेस है। मनोज दे उन लोगों को ला रहे हैं अपने चैनल पर और उनकी स्टोरी को शेयर कर रहे हैं। मनोज दे को उन लोगों को लाना चाहिए जो सक्सेस नहीं हो रहे हैं, उनको अपने इस चैनल पर लाना चाहिए। अगर जो उनको सपोर्ट करने का इतना ही शौक़ है तो उन लोगों को लाए जो सपोर्ट नहीं पा रहा है, जो सपोर्ट के लायक हो, जिसको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत तो उन लोगों को लाना चाहिए। जो पहले से सक्सेस है तो उनको इस चैनल पे लाते हैं और उनको मतलब उनकी स्टोरी को शेयर करते हैं, तो इसका मतलब ही क्या है। अगर जो सही तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं तो उन लोगों को लेके आएं जो मतलब सपोर्ट सही तरीके से, जिसको सपोर्ट की जरूरत है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, आप लोग खुद इनका सपोर्ट कर रहे हैं, ये आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो इस तरह से नया चैनल बनाते हैं तो ये लोग अपना सपोर्ट खुद करवा रहे हैं आप लोगों की वजह से। तो फ्रेंड आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि मैं आपसे जो कह रहा हूं ये मेरी बात सही है कि गलत है। अगर जो इस तरह से ये लोग काम करते हैं, अपने मेन चैनल से लाके सपोर्ट करते, तो उनकी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक जाती है,
तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनको मेन चैनल पे लाना चाहिए या इनको नया चैनल बना के उन लोगों को लाना चाहिए, उसकी स्टोरी को शेयर करते हैं, ये सही है। ये चीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि दोनों में से किस चैनल पे लाना चाहिए और किस चैनल से सपोर्ट करना चाहिए। ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जो दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड, अगर जो सपोर्ट ही करना है, सही तरीके से सपोर्ट करना है, तो मेन चैनल से सपोर्ट करेंगे तो उनको सपोर्ट अच्छा मिलेगा और उनको लोग मतलब ज़्यादा देखेंगे और लोग ज़्यादा पहचानेंगे, उनको लोग ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड बस यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद था। तो फ्रेंड आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।